सबसे पहले तो विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे सर. Happy birthday to you. Happy birthday to you. A very happy birthday is a responsibility to do better than previous years. Yes, inshallah. That is a problem. No. You have to be here. Come shift thoda sa. Jina, can you have a chair? जब माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको समझाते हैं उनके मूल्यों के बारे में, उनके जीवन के बारे में, और फिर जब वो अपनी कक्षा में जाके पास होके आते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, और लड्डू बांटते हैं. ये लड्डू बांट रहे थे हम लोग, थैंक यू वेरी मच. उतनी खुशी हमको, बिकॉज अभी ये दूसरे एग्जाम में जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू डिफरेंट वर्ल्ड. तो इट्स लाइक यू नो दिस वॉज ए होम. They were interacting about their subjects. Now they will face the reality in the industry. But I'm glad that they have been groomed as a human being first, then a technician and artist, and they are going to win. And our other alumni are winning the post everywhere. Thank you. फर्स्ट तो सबको बहुत बहुत मुबारकबाद. और मैं देख रही हूँ कि सबकी आंखों में इतने सपने हैं और इतनी खुशी है, लेकिन जैसे सुभाष जी ने कहा कि अब एक रियलिटी उनको फेस करनी है, और उसमें मुझे लगता है किसी भी स्तर का आर्टिस्ट हो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेंसिटिविटी की. क्योंकि जब आप सेंसिटिव होंगे तो आप जो आपको ज़िंदगी देती है उसको आप पूरी तरह से अब्सॉर्ब करते हैं. जाहिर है कि कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, लेकिन अगर आप में वो सेंसिटिविटी रहेगी तो उसको आप अपने आर्ट में तब्दील कर सकते हैं. तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आर्टिस्ट के लिए लाइफ हैज़ टू बी द रिचेस्ट रिसोर्स बेस. ये लोग ट्रेनिंग के साथ जा रहे हैं, मैं ट्रेनिंग में बहुत बिलीव करती हूँ. मैं खुद फिल्म इंस्टीट्यूट की हूँ, मुझे 50 साल हो गए इंडस्ट्री में, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि मैं कुछ ना कुछ सीखती ज़रूर हूँ. तो ये सोचना कि नहीं अब सब कुछ हमको मिल गया वो नहीं हो सकता. आपको रोज़ रोज़मर्रा पे आपको रियाज़ करना पड़ेगा. और रियाज़ करने का मतलब ये नहीं कि जाहिर है जो एक्टिंग कर रहा है वो रोज़ तो एक्टिंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ज़िंदगी से सीख रही है तो वो रियाज है उसकी. मैम सर मेरा आप दोनों से सवाल है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स कि आपने इतनी अच्छा यहाँ पे स्पीच के बच्चों को कहीं ना कहीं मोटिवेट किया. आज यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे थे, यंगस्टर्स बैठे थे, कहीं ना कहीं आगे के बच्चे जो भविष्य है हमारा फ्यूचर है. तो मैं आप दोनों से जाना चाहूँ, आप चारों से एक चीज जानना चाहूँ, किस तरीके का बदलाव आप देखते हैं आगे चल के जनरेशन बच्चों के अंदर, एक ऐसा बदलाव जो आप लोग आगे चल के देखना चाहते हैं, किस तरीके का चेंज आए हमारी जनरेशन. जो मैं बदलाव देखना चाहता हूँ बच्चों में, कि और जो हम समझाते भी हैं उनको, कि आने वाली जब भी क्रिएटिव फील्ड में जाएं, किसी भी आर्ट या किसी भी क्राफ्ट में जाएं, आप देखिए कि आप फर्स्ट इंडियन हैं. आप पहले अपने देश की, अपने ज़मीन के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के इश्यूज के बारे में, समाज के लोगों के बारे में बात करें. और जितना आप ओरिजिनल हो, यू आर दर गोइंग टू बी दी representative of our Indian culture, representative of our India, all over the world. तो आपका जो भी रचना होगी या फिल्म होगी या जो भी होगा, वो दुनिया के लिए एक हमारे देश का एक डायलॉग होगा, एक वो एक आईना होगा, प्रतीक होगा उसका. तो इट्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट डेट वी क्रिएट अवर ओन क्राफ्ट एंड आर्ट एंड स्टाइल एंड डिज़ाइन, वट एवर वी डू, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल चिल्ड्रन. Particularly, that's how we teach them and we try to groom them. नहीं, अहम बात कह रहे हैं सुभाष जी. और बेसिकली हमको लिमिट नहीं होना चाहिए अपने इंडियन होने से. वो जो है ऐसा रहता है कि आपकी जो है वो आपके रूट्स पूरी तरह से इंडिया में है, लेकिन आपकी सोच जो है वो इंटरनेशनल हो. और आजकल बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनेशनल सिनेमा की तरफ देख रहे हैं, वेस्ट की तरफ देख रहे हैं. तो हम क्या वेस्ट को दे सकते हैं? अपने बारे में जब हम बताएंगे, अपनी कहानियाँ जो सुनाएंगे, अगर हम उन्हीं को इमिटेट करके उनके पास जाएंगे तो फिर उनको हम में कोई दिलचस्पी नहीं होगी. पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे लिए दरवाजे खुल रहे हैं जब लोग हमारी कहानियों में इंटरेस्टेड हैं और हमको फिर
पूरे धड़ल्ले से ये बोलना चाहिए कि हाँ ये है जो हमको करना है। बिल्कुल सही। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले कोई भी क्रिएटिव इंसान को अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना बहुत ज़रूरी है, और आज के ज़माने में स्पेशली आई थिंक बीइंग काइंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सो आई फील हमारे स्टूडेंट्स को जो हम एम्पैथी सिखाते हैं, कंपैशन सिखाते हैं, 3 साल में वो सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन नहीं सीखते हैं, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनते हैं। और आज के ग्रेजुएशन के दिन पर मुझे इतना अच्छा लगता है जब पेरेंट्स आके हमको कहते हैं कि आपने बच्चों की लाइफ बहुत अलग तरीके से सवारी है, एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। सो आई थिंक दैट बिकमिंग बेटर ह्यूमन बीइंग्स एवरी डे इज व्हाट आई विश फॉर ऑल द स्टूडेंट्स वर्ल्ड। सर मैं मिलेगा सर, सोच रहा हूं वी लाइक टू ऐड समथिंग। श्योर, आई जस्ट वांट टू काइंड ऑफ ऐड वन थिंग दैट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्रिएटिव फील्ड में जाना जा रहे हैं, वन थिंग इज दैट दे नीड टू गो बैक टू द रूट्स। What we are seeing today as successful cinema, things that are working, are stories that are coming which are culturally rooted, which have a certain amount of ethos in them. And I think the people that are going into the field outside, they need to remain rooted. You know, one of the things that is very important is वो कहाँ से आए हैं, वो उनको याद रखना चाहिए, और उस से प्रेरित होके कहानियाँ बनेंगी तो लोगों को छुएंगी। I think that is what is very, very important.